हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वॉल पर पुराना कलर लगा है उसे कैसे रिमूव करना है उसके बारे में पूरी प्रोसेस के साथ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो टर्पेंटाइन थिनर या फिर एसिड का इस्तेमाल करके हमने वॉल पर पेंट निकालने की कोशिश की है, पर ये अच्छे से वर्क नहीं किया है। इसीलिए हमने दोस्तों एक और तरीका यूज़ किया है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे वॉल पर वर्क किया है। तो इस वीडियो में मैंने वही प्रोसेस आपके साथ शेयर की है। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इसके ये मशीन की अनबॉक्सिंग किए थे और कैसे यूज़ करना है वो दिखाया था। तो अभी मैं आपको पीछे जैसे थोड़ी देर पहले दिखाया वो वॉल पर मैं सैंडिंग करके पूरा कलर निकालने वाला हूँ। तो इसके लिए ये वाली डिस्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। पहले ये वाली डिस्क मैंने उसी वीडियो में दिखाई थी जो अलग से खरीद के लाया था, उसके ऊपर ये वाला पेपर है हमारे पास, ये लगा के इसमें लगाना अभी आपको दिखाऊंगा और फिर इसके अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा किस तरह से लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको हैंडल लगा के दिखा देता हूँ उस पर। इस पर हैंडल लगा दिया है, उसके बाद ये वाली डिस्क हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाला बटन है इसे अच्छे से प्रेस करके रखना पड़ता है ताकि जो ये हमारा आगे वाला है घूमे नहीं, टाइट हो गया है। उसके बाद इसे हमें अप्लाई करना है, इसे पूरी तरह से टाइट फिट कर लो। और उसके बाद ये अभी आप देख सकते हो 40 नंबर की मैंने पेपर डिस्क ली है, इसे मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। इसे जैसे हम नॉर्मल सेंडर पर लगाते हैं वैसे ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। ये व्हाइट वाला पार्ट है वो पीछे की साइड रखना है और इस तरह से लगा के आप देख सकते हो इसे अच्छे से ऐसे प्रेस कर ले रहा है। ये अब हमारा रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, इससे हम आपको करके दिखाएंगे। और दोस्तों, दीवार पर ऊपर हमें करना है इसलिए मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो हमारे पास अलग से एक बोर्ड है जो ये वायर हमें लंबी दीवार तक पहुँच सके इसलिए हम यूज़ करेंगे। तो चलो इसके ऊपर मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम स्टैंड भी यूज़ करने वाले हैं लोखंड का, तो उसके लिए चलो अभी हम आपको इसके ऊपर ट्राई करके दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्सटेंशन बोर्ड में यहाँ पे लगा देता हूँ जहाँ पे ये हमारी पिन लगेगी। इसे चालू कर दिया, अब हम हमारा काम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, काम स्टार्ट करने से पहले मैंने एक हाथरुमा लिया, इसे हम मुंह पे बांधेंगे। इसे मैंने पानी से भिगा के रखा है ताकि जो डस्ट है वो काफी अंदर हमारे मुंह में ना जाए और ये गीला कपड़ा होने की वजह से जाने नहीं देगी। उसके बाद ये वाला ग्राइंडर हम लेंगे और यहाँ पे यूज करके आपको दिखाऊंगा। अभी आगे दोस्तों मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये हम चलाएंगे तो इसका आवाज आएगा, तो मेरी बात आप सुन नहीं पाओगे इसलिए इसकी आवाज ज्यादा आएगी। तो इसलिए पहले यहाँ पे ऑन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ और इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, आप देख के समझ जाना क्योंकि इसकी आवाज नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा भी किया है तो डस्ट कितनी उड़ने लगी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि रुमाल वगैरह बांध के रखना। तो चलो अभी काम करते हैं और पूरा यहाँ पे जो आप ये येलो वाला ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हो वो मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। और ये मशीन आपको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। और ये काम आप सेंडर से भी कर सकते हो, पर सेंडर महंगा आता है और इससे हमारा काम हो जाता है, बस इसमें दिक्कत ये होती है जो ग्राइंडर होती है उसकी स्पीड कम नहीं कर सकते हो और डस्ट के लिए उसके अंदर वैक्यूम नहीं आता है, बस ये दो प्रॉब्लम होती है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।
तो दोस्तों हर जगह पे धुआं धुआं हो चुका है, आपको शायद नहीं दिखेगा, मैं आपको थोड़ी देर में ये धुआं जैसे कम हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अभी शाइन करके जो कलर था वो निकाला है। तो दोस्तों थोड़ा धुआं बैठने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो अभी धुआं थोड़ा कम हो चुका है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे जो कलर था वो पूरा निकल चुका है। अब देख सकते हो पहले किस तरह का कलर था वो भी दिखा देता हूँ। ऐसे पूरा डार्क कलर था और सैंडिंग के बाद ऐसा हो चुका है। इसके ऊपर आप फिर वॉल पुट्टी वगैरह कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये तरीका भी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।